जय हिंद नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जो है अपनी तैयारी में लगे होंगे, फिजिकल कर रहे होंगे। साथियों ये एक वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ मेडिकल को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है दोस्तों, इसमें मैं आपको 18 पॉइंट ऐसे क्लियर करूंगा जो आपके मेडिकल में किए जाते हैं और मेडिकल में कौन कौन से मेजर पॉइंट होते हैं, कौन कौन से माइनर पॉइंट होते हैं, इन सब चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो वीडियो को थोड़ा सा बिना स्किप किए कम्प्लीटली आप देखना, आपको सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किन बिंदुओं पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर आपके ये टॉपिक्स ये बिंदु अगर आपके आपके साथ ये चीज है तो इन चीजों को आपको सुधार लेना चाहिए, कब सुधार लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अंत में आपको पसंद आए तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी में रिटन क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, इतना मुझे उम्मीद है आपको भी उम्मीद होगी। अब फिर आता है एक मेन पॉइंट, आपका मेन जो आपका स्टेप आता है वो होता है मेडिकल का। जी हाँ दोस्तों, अगर मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाता है तो आपकी पिछली करी हुई सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो आई होप ये आप मेहनत खराब नहीं जाने देंगे और जो मैं पॉइंट्स आपको क्लियर करने जा रहा हूँ इन पॉइंट्सों पर आप विशेष ध्यान देंगे और अपने मेडिकल को अपने आप को फिट कर लेंगे, आप एसएससी जीडी में मेडिकल कराने के लिए फिट तैयार हो जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपका इसमें हाइट भी किया जाता है। हाइट क्यों किया जाता है, हाइट आपके मेडिकल का हिस्सा नहीं होता हालांकि, क्योंकि हाइट आपकी पहले ही फिजिकल के टाइम पर मेजर हो गई है, हाइट और चेस्ट। तो आपकी हाइट दोबारा से यहाँ पर इसलिए की जाती है क्योंकि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट चेक किया जाता है। जी हाँ साथियों, सबसे पहला जो आपका मेडिकल का स्टेप रहेगा वो आपका वेट रहेगा और आपका वेट किस हिसाब से लिया जाता है, एक चार्ट है, आपको मैं चार्ट यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप चार्ट देख पा रहे हो तो आपको उस चार्ट के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि वजन आपका 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 58 से 60 किलो अगर आपका वेट है तो आपका परफेक्ट वेट है, आपको ना ही ओवरवेट किया जाएगा ना ही अंडरवेट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं और आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट है और 44 से 47 किलो आपका वेट है तो आपका वेट बिल्कुल जेन्युइन वेट है, आपको ना तो ओवरवेट किया जाएगा ना ही अंडरवेट किया जाएगा। दूसरा चीज ये आपका पहला हो गया वेट। दूसरी चीज हम साथियों बात करते हैं आपके बॉडी मार्क्स के। अगर बॉडी पर आपके कहीं ऐसे मार्क्स हैं जैसे कि आपके टैटू बनवा लिए गए हैं, आपके अंदर बॉडी के इंटरनल जो भाग है उस पर अगर आपने जो है टैटू बनवाया हुआ है या फिर यहाँ से यहाँ कहीं आपने टैटू बनवाया है या कोई नेचुरल जो आपने जबरदस्ती से शरीर के साथ छेड़छाड़ की हुई है तो वो उस टाइप का कोई अगर आपका मार्क्स है तो आपको वो वहां पर आउट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज आपकी जो नेचुरल चीज है वो उसमें अगर आपका कोई कट मार्क है तो वो चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज आपका आता है नॉकनी टेस्ट। अगर आपका हाथ पैर कहीं से टूटा हुआ है या फिर कहीं से टेढ़ा है तो वो वहां पर आपको डॉक्टर के कई नजरिए होते हैं चेक करने के, वो वहां चेक करते हैं। तीसरी चीज जब फाइनली उनको कंफर्म नहीं होता तो वो आपका स्केल डाल के भी चेक करते हैं, आप इस टाइप से देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, मैं मेंशन करता रहूंगा सब कुछ। चौथा टेस्ट हमारा होता है वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस आप देख पा रहे होंगे साथियों, वेरिकोज वेंस इस टाइप से आपकी जो नसें पीछे नसें जो फूल आती है ये इस टाइप से ये वेरिकोज वेंस के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा मेन और इम्पोर्टेंट टेस्ट, हालांकि इसमें एक और टेस्ट था जो इम्पोर्टेंट था, नॉकनी टेस्ट, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। नॉकनी टेस्ट भी आपका ये जो आपके कोहनी वगैरह है ये सब चेक किए जाते हैं नॉकनी टेस्ट में। और फिर उसके बाद आपका आता आई टेस्ट जो आता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है, आंखों का टेस्ट। जी हाँ साथियों, आपकी 6x6 आईज ली जाती है एसएससी जीडी में और आपका विदाउट ग्लास आपको लिया जाता है, ठीक है। तो विदाउट ग्लास आपको जो यहाँ पर आपसे पढ़वाया जाएगा वो आपको रीड करना होगा, न्यूज़पेपर भी रीड करना होगा, ठीक है साथियों। और आपका सबसे मेन जो आएगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कलर विजन टेस्ट आएगा। लेकिन ये आपको मैंने कलर विजन टेस्ट को अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है, तो उसके बाद हम आई टेस्ट, आप समझ गए होंगे आपकी आई जो 6x6 होनी चाहिए। छठा आपका है ईयर टेस्ट, आपके कानों का टेस्ट। आपके कानों का टेस्ट जो है वो आपका बहुत प्रॉपरली चेक किया जाता है कि आपको कान जो है वो सुनाई, आपको जो एक मेजरमेंट है उस
एक स्केल है, उस स्केल के हिसाब से आप सुन पाते हैं कि नहीं, वो कंपन करके या फिर और कहीं मशीन से कान में कोई छेद या कोई जख्म या कोई कचरा वसरा गंदा इस टाइप से या पस या फिर कान में कुछ पानी आना, इस टाइप की समस्याओं को आप नेग्लेक्ट करें, उस टाइप की समस्याओं से आप छुटकारा पा लें, पहले ही अपना कान इस टाइप से डॉक्टर को दिखा लें। फिर आपका आता है नोज टेस्ट। नोज टेस्ट में आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, नोज टेस्ट में नाक टेढ़ी मेढ़ी जिन लोगों की होती है, नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उस टाइप का भी वहां पर आपको वहां पर पॉइंट दे देते हैं। फिर आपका दांतों का टेस्ट आता है, आपके दांत की काउंटिंग होती है, 28 दांत कम से कम आपके होने चाहिए, और आपके दांत में टूटे फटके निकले दांत, इस टाइप के दांतों को भी आपके चेक किया जाता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल टेस्ट होता है। साथ ही फिर आता है आपका हार्ट टेस्ट। हार्ट टेस्ट में आपका ईसीजी के माध्यम से, जो आप मेरे बैकग्राउंड में मेरे पीछे आप चलता देख रहे होंगे, ये ईसीजी का ग्राफ है, और इस ग्राफ के माध्यम से आपके हार्ट का पता लगाया जा सकता है, इसके हार्ट बीट का पता लगाया जाता है। और उसके बाद ये सब टेस्ट होने के बाद आपका होता है दोस्तों पाम टेस्ट। पाम टेस्ट में जो आप हथेली देख पा रहे होंगे, इस हथेली पर बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, और इसको 2-3 बार ऐसे बंद करके खोलते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना होता है। अगर आपको ये सब समस्या है तो ये सब पॉइंट वाली समस्या है, इनको अभी से ही आप क्लियर करते रहिए, है ना। तो ये समस्या हो गई। उसके बाद आपका आता है एक्सरे। एक्सरे में आपका जो है बॉडी का एक्सरे किया जाता है, इसमें आपका देखा जाता है कि कोई भी आपकी बोन, कोई मसल आपकी ऐसी तो नहीं है, तो बोन टूटी हुई है, पहले से हड्डी टूटी हुई है, तो ये सब चीज आपकी चेक करी जाती है, आपकी पसली वगैरह अंदर आपका बहुत सारी चीजें इंटरनल बीमारियां होती है, वो सब एक्सरे के माध्यम से बताया जाता है। फिलहाल आज का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आपको ये सब पॉइंट मैं बताऊं, ताकि ये सब पॉइंट आप चेक कराते रहे धीरे धीरे, है ना। उसके बाद आपका आता है दोस्तों प्राइवेट पार्ट टेस्ट। प्राइवेट पार्ट टेस्ट में आपका अगर मेल है आप, तो मेल डॉक्टर आपका प्राइवेट पार्ट टेस्ट करते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजें वो देखते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, बाकी आप समझ सकते हैं। और आप ये आप किसी डॉक्टर के माध्यम से आप चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट पार्ट टेस्ट में क्या क्या चीज चेक होती है ना। उसके बाद आता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में साथियों आपकी शुगर वगैरह चेक की जाती है, तो आप ये यूरिन टेस्ट भी आपका आप जो है पहले से ही करा सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल से ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज और आपकी बहुत सारी चीजें, मतलब अलग अलग चीजें अंदर होती है, प्लेटलेट्स काउंट्स वगैरह, या बहुत सारी चीजें आपके ब्लड के थ्रू चेक की जाती है, तो वो सब चेक करते हैं। उसके बाद फ्लैट फीट टेस्ट आता है। फ्लैट फीट टेस्ट में आप देख पा रहे होंगे ये पैर सपाट होता है, बिल्कुल सीधा पैर होता है, हालांकि समस्या से निजात पाया जा सकता है, अगर आप अभी से ही इस कोशिश में लगे तो बिल्कुल आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मेडिकल वाले दिन ही आप इसमें लगे, तो ये बिल्कुल भी आप ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर आता है आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लड प्रेशर में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों हमेशा फेल माने जाएंगे। दो टेस्ट मैंने ऐसे देखे हैं, इसमें ब्लड प्रेशर और कलर विजन टेस्ट, इन दो टेस्टों को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कराएंगे। कलर विजन में फेल है तो फेल है, ब्लड टेस्ट में ब्लड प्रेशर में फेल है तो फेल है। दोस्तों एक होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आपका कभी कभी घबराहट से बढ़ जाता है, कभी कभी जैसे आप नर्वस हो गए या कुछ हो गए तो आपका ब्लड प्रेशर लो या ज्यादा हो सकता है, तो उस टाइप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है आपको, कुछ नहीं ऐसा कोई हाइपर होने वाली बात नहीं है। लेकिन आपका अगर ब्लड प्रेशर सच में हाई या लो रहता है तो वो आप अभी से ही कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, ठीक है साथियों। और फिर आपका जो रहा, फिर सबसे लास्ट में कलर विजन टेस्ट, आप जो देख पा रहे हो कलर विजन में यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा आपको, अगर ये नंबर आपको सही शो हो रहा है तो आप कलर विजन में पास है। और जो नंबर भी आपको दिख रहा है कमेंट में जरूर बताना, ताकि कमेंट में मैं आपको बता सकूं कि आपका कलर विजन जो टेस्ट है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, तो कमेंट करना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे हमारा सैनिक बैच एसएससी जीडी 2025 के लिए कमिंग सून में है, बहुत जल्दी ही इसको लॉन्च किया जा रहा है, जून में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। और साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बैच में आप देख पा रहे होंगे क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी। अगर आपके पास सच में ज्यादा पैसा है तो आप बैच परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये
हमारी टीम का मोटिव है ये, आप हमारी टीम का मोटिव ये है कि बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा कराना भारत के अंदर। साथियों आप हम जितना कोशिश कर रहे हैं, बाकी जितना आप देखते हैं आप हमारा कितना साथ दे, तो आप लोग हमारी टीम का साथ दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये बैच ज्वाइन करिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी टीम आपके साथ लगकर आपको ये सफलता दिलाएगी। आपको SSC GB 2025 की वर्दी में आपको आपके माँ बाप का सपना पूरा करेगी। तो साथियों जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इससे जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।